गया मेरे घर से 6 सितंबर को हैदराबाद जाने के लिए, ताकि मैं WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल देख सकूं। और फिर मैं 7 सितंबर को राजकोट पहुंचा ताकि मैं उधर से हैदराबाद की मेरी ट्रेन लूं। और ये राजकोट रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 3:30 बज रहे हैं। और फिर फाइनली मेरी ट्रेन आ गई अराउंड 5 AM। एंड फिर मैं अगले दिन 8 बजे के आसपास बेगमपेट रेलवे स्टेशन उतर गया गाचीबोली हैदराबाद निकलने के लिए। और फिर मैं होटल में थोड़ा रेस्ट किया। और फिर मैंने सोचा कि अभी बैठे बैठे क्या करें। फिर मैं चला गया गाचीबोली इंडोर स्टेडियम ताकि मैं उधर थोड़ा चेक कर सकूं कि क्या चल रहा है। और वहाँ पे बहुत अच्छी चहल पहल भी थी, WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल के पोस्टर भी लगे हुए थे। आई होप गाइज आवाज़ आ रही होगी। मैं आ गया हूँ गाचीबोली स्टेडियम के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। इधर लिखा है अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना, चाहो तो मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हो। आओगे? एक और हमें मिल गए WWE फैन यहाँ पे। चलो अंदर चलेंगे। चलो तो अभी फिलहाल एंट्री तो बंद है, बोला है 4 या 5 बजे आप आ सकते हो। तो मैं तो ऐसी बस चेकिंग करने आया हूँ, पोस्टर वोस्टर देख के। किधर से आए हो? मैं आया हूँ गुजरात कच्छ से। गुजरात से? खास इसके लिए मैं इधर ही रहता हूँ। अच्छा है। आफ्टर रिफ्रेशिंग माई सेल्फ मैं वापस से गाचीबोली इंडोर स्टेडियम के लिए निकल गया ताकि मैं मिस ना कर सकूं जो भी कुछ होगा उधर। तो आगे का व्लॉग देखिए। तो गाइस एंट्री मिल चुकी है। मैंने ऑलरेडी जॉन सीना की WWE मनी इन द बैंक 2021 वाली मर्चेंडाइज पहनी ही थी। और फिर मेरी नज़र गई WWE के ऑफिशियल मर्चेंडाइज स्टोर पे। और फिर मैंने आखिर का लेटेस्ट मर्च ले ली। और फिर मुझे नन अदर देन 3DX चेतन एंड रोहित पंत भी मिले। और उनसे मैंने ऑब्वियसली पिक्स भी ली। और ये रहे 3DX चेतन जो कि काफ़ी हम्बल थे और मिस्चीवियस भी। और ये रहे हिमांशु भैया, रोहित पंत के ब्रदर। एंड हियर इज रोहित पंत हिमसेल्फ। एवरीवन वाज सो हम्बल टू मी। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत सारे काम करते हैं जी। और ये हमारे भाई, इनको हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत परेशान करते हैं। इन्होंने एक एक्स्ट्रा भी लिया, मुझे लग रहा है हमारे लिए। थैंक यू भाई, ले लो। थैंक यू थैंक यू। क्या साइज है? साइज एक्सेल होगी। चलो वापस रख लो, अभी बहुत टाइम है मुझे एक्सेल आने में। एज यू कैन सी आई बॉट द लेटेस्ट सीना टी-शर्ट। और यहाँ पे प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट भी थी। और सामने ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा था मुझे देखते हुए कि WWE फैंस यूनाइट रहे हैं यहाँ पे। और ये भाई भी हमें मिले। काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए आगे से एंट्री है। और मैंने पहन लिया है जॉन सीना का टी-शर्ट। वहाँ पे अभी भी ऑफिशियल मर्चेंडाइज की भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैंने कुछ आई थिंक 2000 में ख़रीदा है। एंड दिस वॉज द एंट्री गेट फॉर VIP और शुड आई से इलीट। यहाँ पर VIP या इलीट टिकट्स वालों की एंट्री थी। देयर इज ईशान सवान सर, आवर बी लव्ड हिंदी कमेंटेटर, टेकिंग पिक्चर्स ऑफ फैंस। और यहाँ पर मैं देख रहा था कि ईशान सर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे और सबकी अच्छे से वीडियोस एंड पिक्चर्स ले रहे थे। और देखते ही देखते मुझे मिले। सो हियर इज रेसलिंग स्टैंड। हे ब्रो, एके रेसलिंग काना शर्मा। काना शर्मा, एज यू कैन सी वी हैव फाइनली मेट। हे गाइस, एज यू कैन सी आई आल्सो मेट माय लॉन्ग टाइम फ्रेंड KTP अलोंग विद रेसलिंग स्टैंड। एंड वी डिड दिस टू एंड इट वाज सो गुड टू मीट देम। ओले 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 ओले, copyrighted music is going on, so I won't play it. Just look at it. Wow.
And that's why we're having the very first WWE live event right here in Hyderabad. So who do you guys want to see tonight? John! Cena! Forever sign over here. Let's hold it up. Bray Wyatt!
at the end of the day, you're my brother. We're all brothers. We're all one big happy family. I have one question for all of you. No disco, no flamenco, brother. Yeah! Do you know? Can you dance? Actually, yes, yes, yes. But the guys and I had like a 19-hour flight over here. We do know Desi Dance. Woo! So, yes, hit the music. Woo! लेकिन अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते रहेंगे भारत माता की भारतवासियों आप सबके मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही आपके मान सम्मान को हिंदू शेर बढ़ाएगा
बताते हैं नहीं। दोस्तों आप इंडिया वाली पावर दिखाओ, जितने भी फॉरेन से बोरे आए हैं ना, आप इंडिया वाली बिल्कुल। दोस्तों जैसे बोलते हैं ना, अभी टाइगर जिंदा है, अभी मरानी टाइगर। आपके कारण अभी मैं जिंदा हूँ, अभी ग्रेन का भी खत्म नहीं हुआ, तो एक मैच और होना चाहिए। Sina, 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 S
Cena. Let's go Cena. Imperium sucks. Let's go Cena. Thank you, Cena!
Love you, Cena. Hear what I'm saying. Love you. Three, the one half to say tonight means a whole heck of a lot to me. Thank you. Thank you. For allowing me to be here. Thank you. We feel something inside that grabs us emotionally. We feel like we're alone. I want to share this with y'all. You let me know if I'm alone or not, but I'm going to share it anyway. I wanted to end tonight by saying this moment is far greater than I could have ever imagined.